अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों का अभी तक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब और जूम एप्लीकेशन के द्वारा। अब हम लोग आज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सूचक अंक। मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने दूसरा, तीसरा और जो चौथा चैप्टर है उसका असाइनमेंट भी कर लिया और असाइनमेंट के साथ आप लोगों ने उसका रिविज़न भी कर लिया। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सूचक अंक। सूचक अंक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो वही रूल्स खालिद सर का कि पहले हम लोग सूचक अंक का मतलब समझेंगे। तो ध्यान देना, सूचक अंक नो अर्थ, ठीक है। तो सूचक अंक का मतलब क्या होता है? सापेक्ष माप है वो। अब ये सापेक्ष माप के लिए मैं आपको एक डिटेल में एक एग्जाम्पल देता हूँ, वेट करना जरा। ओके, सूचक अंक एकम रही चे, मतलब सूचक अंक का कोई एकम नहीं है, जैसे किलोमीटर, लीटर, मीटर, ग्राम, रुपया, लेकिन सूचक अंक कोई का एकम नहीं है तो वो कैसा एकम रहित है, ये याद रखना। टकावारी में वधारो घटाड़ो दर्शावे छे और बेसमय नी चलनी कीमत में थतो टकावारी में फेरफार। तो ये जो तीन टॉपिक है, मैं इसका आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। आपको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देना। ये जो सापेक्ष माप है टकावारी में वधारो घटाड़ो दर्शाता है, बेसमय नहीं चलने कीमत में टकावारी दर्शाता है, ये पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। जैसे एग्जांपल तरीके मैं आपको बताता हूँ, गेहूं और चोखा, या मैं 2 साल लिख रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाला है। ये 2 साल दिखते हैं तो ये चालू वर्ष गिनाएगा और ये गिनाएगा आदर वर्ष। इन शॉर्ट जो अभी करंट चल रहा है वो हमारा हो जाएगा चालू वर्ष और जो पीछे का साल है उसको हम लोग बोलेंगे आदर वर्ष। चालू वर्ष का भाव मतलब P1 और आदर वर्ष का भाव मतलब P0। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल तरीके इसका भाव 24 है जो बढ़ के 2000 कितना हो गया 20 में 30। उसी तरह इसका भाव 40 है चौखे का जो 2020 में कितना हो गया 46। अब आप लोग क्या बोलोगे कि सर दोनों में वधारा कितना कितना हो रहा है? 6। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, दोनों का वधारा नो डाउट 6 हो रहा है, लेकिन वो 6 सरखा नहीं है। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गेहूं नो सापेक्ष भाव, जिसका सूत्र है I=P1/P0×100। तो P1 मतलब कि चालू वर्ष का भाव 30, पाछला वर्ष का भाव 2400, तो हो जाएगा 1.25, ठीक है। उसी तरह हम लोग चोखे का करेंगे तो चोखा नो सापेक्ष भाव, वही सूत्र, तो कितना आएगा 46 भाग्य कितना 40 गुणिया 100, तो 1.15। तो अब ये जो इसका भाव आया है ये हमारा सापेक्ष भाव है। अब इसको हम लोग कायमें कर देंगे टकावारी में, कायमें कर देंगे टकावारी में, तो 1.25 गुणिया 100 टकावारी 100 तो 125 और 1.15 गुणिया 100 तो 115। तो देखा दोनों का जो वधारा आया हुआ है, तो फुगावे के हिसाब से अगर हम देखें कि किसका भाव वधारा ज़्यादा है तो गेहूं का ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? तो दोनों अलग अलग हुआ, तो सापेक्ष भाव खबर, सापेक्ष माप खबर पड़ गई सबको। तो याद रखना सूचक अंक का अर्थ पूछा सकता है सापेक्ष माप है, एकम रहित मतलब खबर पड़ी ना, वो किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, रुपयों में, कोई में भी उसका एकम माप सकते नहीं है। टकावारी में वधारो घटाड़ो दर्शावे, बेसमय नहीं चलने कीमत में था तो टकावारी दर्शावे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूचक अंक की कितनी रीत है? तो सूचक अंक की 2 रीत है। पहली रीत का नाम है अचल आधारणी रीत और दूसरी रीत का नाम है परंपरित आधारणी रीत। अचल आधार की रीत पहले समझते हैं, तो मैं वापस से वो चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा, 2019 और 2020 ये तो एक पर्टिकुलर मैंने वर्ष लिखा हुआ है, तुम लोग को कुछ भी दे सकता है, जैसे 2016, 2017, 2015, 2016। तो मेरी बात याद रखना, जो करंट है तो वो गिनाएगा हमारा चालू वर्ष और ये हमारा हो गया पाछलू मतलब के आधार वर्ष, ठीक है। तो ये बात पे हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, ध्यान दो। अचल आधारणी रीत आधार वर्ष हमेशा के और ऐसे सरखो, ये बात याद रखना। अचल आधार की रीत का जब हम लोग दाखला करेंगे तो हमेशा आधार वर्ष के साथ रहेगा, हमेशा सरखो वो दाखला करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अचल आधार का सूत्र, चालू वर्ष की चलनी कीमत मतलब ये,
आदर वर्षी चलने कीमत मतलब ये गुणिया सो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर पी वन छेदमा पी जीरो गुणिया सो। आए समझ में? अब हम लोग उदाहरण नंबर एक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग परंपरित आधार की रीत सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये अच्छे से लिख लो, थोड़ा सी वापस से रिविजन कराता हूँ, ध्यान से सुनो। हम लोग को क्या याद रखना है, अचल आधार में आधार वर्ष हमेशा कैसा रहेगा, सरखा रहेगा, मतलब कि सबके छेद में आधार वर्ष एक ही आएगा, ठीक है। परंपरित में आधार वर्ष बदलाता रहता है, वो बाद में देखते हैं अपने। तो रकम लिखी हुई है, कोई एक विस्तार में घऊना जत्था में भाव नीचे माहिती छे ते प्रति वर्ष 2005 ने आधार वर्ष तरीके लेने, याद रखना कौन से वर्ष को उसने आधार वर्ष बोला है, 2005। तो 2005 का जो भाव है वही सबके छेद में आएगा, तो वो हो गई अचल आधार की रीत। आगे वस्तुना भावनो सूचकांक तैयार करो अने आ सूचकांक प्रति 2003 नो भावनो थयेल टकावारी वधारो जणावो। उदाहरण नंबर एक है, देख लो ध्यान से। तो सबसे पहले 1650 लिखा, ऊपर हमारे पास आधार वर्ष नहीं है, मतलब वही का वही 1650 गुणिया 100, तो कितना आ गया जवाब 100। अब दूसरा देखो, 1690 है, आधार वर्ष क्या बोला उसने 2005 का, तो वही 1650 गुणिया 100 मतलब 102.45। तीसरा है 1730, आधार वर्ष सरखा ही रहेगा मतलब वही आएगा जो हमारे को रकम में बोला है 2005 का, तो 1730 भाग्या 1650 गुणिया 100 104.85। ये देखो 1750 भाग्या वही 2005 का कितना है 1650। तो देख लो सबके छेद में क्या है 1650। तो याद रखो जारे वर्ष बदला तो न हो, तो हम लोग इसको हम लोग क्या समझेंगे, अचल आधार की रीत। करना क्या है, सबके छेद में क्या जाएगा 1650। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो यूँ बोलता है कि 2007 ने आधार वर्ष लो, तो फिर सबके छेद में 2007 का कितना 1730 है, तो वो सबके छेद में आता। आगे समझ में? अभी 2005 का बोला है तो सबके छेद में क्या आ गया 2005 का कितना है 1650 रख दिया, गुणिया क्या कर देंगे 100, तो ये हमारा जवाब आ गया। अब उसी तरह परंपरित आधार की रीत है, परंपरित आधार की रीत में क्या होता है सर, तो परंपरित आधार की रीत के अंदर याद रखो वर्ष हमेशा बदलाता रहेगा, ये जैसे कि ना सरखा है सबके छेद में एक है, वो सरखा नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। अब वो सीखते हम लोग, चलो अचल आधार की रीत आप लोग को समझ पड़ गई। अब हम लोग चालू कर रहे हैं परंपरित आधार की रीत। सबसे पहले परंपरित आधार की रीत का सूत्र, तो परंपरित आधार की रीत का सूत्र चालू मास की चल कीमत भाग्य अगौना मास की कीमत। अब अगौना मास का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल तरीके ये जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर, तो ये जनवरी है मार्च है, तो मार्च का अगौ क्या हुआ जनवरी, मई का अगौ क्या हुआ मार्च, जुलाई का अगौ क्या है मई, सितंबर का अगौ क्या है जुलाई। तो याद रखना अगौना मास की कीमत गुणिया 100। अब याद रखना जैसे अचल में हम लोग क्या करते हैं, आधार वर्ष हमेशा कैसा रहता है सर का, परंपरित में आधार वर्ष हमेशा बदलाता रहेगा। जैसे ये दाखला देखो, हमारे को बोल दिया है कि परंपरित रीति दाखलो गणो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 22 है, 22 के ऊपर कुछ बोला है नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे 22 भाग्या 22 गुणिया 100, तो आ गया 100। अब देखो 21.20 है, भाग्य क्या करेंगे 22 गुणिया 100, तो कितना हो गया 96.36। शांति से रकम पढ़ लेना एक बार, अभी 22 है तो 22 भाग्य क्या आएगा ऊपर वाली रकम मतलब अगौना मास वाली, तो 21.20 गुणिया 100 तो 103.77। देखो 23 है, भाग्य क्या होएगा 22 गुणिया क्या करेंगे 100 तो 104.55। इन शॉर्ट तुम लोगों को क्या करना है, परंपरित में क्या याद रखना है, इसके छेद में ये लोग एक दूसरे के आएंगे, देख लो। आगे समझ में? तो देखो 23 हो गया 24.70 है, भाग्य क्या करेंगे 23 गुणिया 100, तो आगे जाओ 26 है, भाग्य क्या करेगा ऊपर की रकम अगौ का बस 24.70 गुणिया 100। आगे समझ में? तो इन शॉर्ट अचल आधार में आधार वर्ष सरखा रहेगा, परंपरित में आधार वर्ष देख लो बदलाता ने बदलाता रहेगा, ठीक है। तो ये उदाहरण एक और उदाहरण चार शांति से कर लो, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करना अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर
हम लोग क्या करेंगे, नवीरे सीखेंगे।